स्टूडेंट गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई थिंक यू विल बी फाइन. ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी आर अगेन लाइव नाउ विद अ न्यू टॉपिक, सेविंग द फार्म फ्रॉम योर इंग्लिश वाइबस ऑफ थर्ड क्लास. दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल पिक्टोरियल स्टोरी एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दिस स्टोरी. फर्स्ट ऑफ ऑल, हेयर आर सम पिक्चर्स ऑफ सम वाइल्ड एंड फार्म एनिमल्स वी विल डिस्कस अबाउट. हेयर इज टाइगर विच इज़ वाइल्ड एनिमल, हैन फार्म एनिमल, डक फार्म एनिमल, fox wild animal, horse farm animal, elephant wild animal, sheep farm animal and donkey also farm animal. So pause the video and discuss about this explanation of these animals and let's towards our story. Hello, welcome to my TV. Our program is about Mr. Oat and his pear tree farm. यहाँ पर देखिए एक पिक्चर दिखाई गई जिसमें कुछ बच्चे हैं और ये इनके हाथ में माइक है, तो ये टीवी शो कर रहे हैं जिसका नाम है माई टीवी. और ये इसमें बता रहे हैं कि आपका स्वागत है इसमें और आज हम मिस्टर ऑट्स जो एक किसान हैं उसके और उसके खेत के बारे में बात करते हैं. एक शो में ये दिखाया गया है, बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं. मिस्टर ऑट इज़ अ फार्मर, ये फार्मर है. ही हैज़ लोट ऑफ एनिमल्स ऑन हिज फार्म, अपने फार्म पर उसके बहुत सारे जानवर हैं. ही हैज़ काउज, हॉर्सेज, शिप, गॉड्स, पिग्स, डक्स एंड हैंस ऑन हिज फार्म. उसके खेत पर देखिएगा काऊ हैं, हॉर्सेज हैं, शिप, गॉड्स, पिग्स, डक्स, ये सारे एनिमल्स इसके फार्म पे हैं. लेट्स स्पीक टू मिस्टर ऑट्स, आओ मिस्टर ऑट से बात करते हैं. अब देखिएगा ये शो कर रहे हैं तो यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन यहाँ भी दिया है, तो मिस्टर ओट से बात करते हैं. तो ये एरो का निशान जिसकी तरफ होता है इसका मतलब ये कमेंटमेंट उसी पर्सन की होती है. अब यहाँ पर कमेंटमेंट एक बच्चे ने की है तो यहाँ पर इसकी तरफ इशारा किया गया. अब ये कमेंटमेंट इसी की तरफ है तो ये ये बोलेंगे. मिस्टर ओट्स, वी नो यू लव योर फार्म, आप अपने खेत को बड़ा प्यार करते हैं. बट इट सीम्स टू बी इन अ बैड शेप राइट नाउ, अभी इसकी बहुत ही बुरी कंडीशन हो गई है. व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था? ठीक है, अब इसके बारे में पूछते हैं. तो अब देखिएगा ये एरो का निशान अब मिस्टर ओट की तरफ है, ये वाला. इसका मतलब ये स्टेटमेंट मिस्टर ओट्स की है. टू नाइट्स अगो देयर वाज अ टेरिबल स्टॉर्म, दो रात पहले बहुत बुरा, बहुत भयानक स्टॉर्म होता, तूफान. टेरिबल होता भयानक, बहुत भयानक तूफान आया था. इट हैज़ डैमेज माई बार्न, इसने मेरे खलियान को, खेत को नष्ट कर दिया. एंड द स्टेबल, और अस्तबल को भी. देर इज़ अ लोट ऑफ वाटर इन द यार्ड, और अभी आंगन में यानी यार्ड के अंदर अभी और भी बहुत सारा पानी भरा पड़ा है. टू, नाउ आई नीड अ न्यू बार्न, अभी मुझे नए खेत की जरूरत है, नया खलियान की जरूरत है. खलियान में क्या होता है, हम फसल वगैरह रख देते हैं अपने जानवर वगैरह, बहुत बड़ा बाड़ा टाइप होता है ये. यू सी, तुम देखते हो द गेट्स आर फॉलिंग डाउन, जो गेट हैं वो भी टूट गए हैं. ठीक है, द चिल्ड्रन कॉल्ड मैनी वर्कर्स, अब बच्चों ने क्या किया, बहुत सारे वर्कर्स को बुलाया. द कारपेंटर्स एंड बिल्डर्स केम टू द फार्म फर्स्ट, सबसे पहले कारपेंटर यानी बढ़ई का काम करने वाले, लकड़ी का काम करने वाले, और बिल्डर्स जो मकान को बनाते हैं वो सबसे पहले खेत में आए. दे फेच अ न्यू वुड एंड मेटल, वो नई लकड़ियाँ और मेटल साथ लेके आए. दे लिफ्टेड द वुड ऑन टू द बाड़, खलियान पर उन्होंने नई लकड़ियाँ चढ़ा दी. दे यूज साज, हैमर्स एंड नेल्स, उन्होंने इसके लिए आरी, हथौड़े और कीले वो इस्तेमाल की ताकि जो है छत बनाई जा सके, उस पर चढ़ाया जा सके. नेक्स्ट केम टू द प्लम्बर, फिर प्लम्बर आया. ही फिक्स द वाटर पाइप्स, उसने पानी के पाइप जो है वो फिट किए. ही यूज प्लास्टिक, उसने प्लास्टिक का यूज़ किया. दे केम, देन केम द पेंटर्स, फिर पेंटर्स आए. दे पेंटेड द वॉल बार्न, और उन्होंने पूरे खेत को जो है पेंट कर दिया. अभी पिक्चर में दिखाया हुआ है सारे ये वर्क करने लग रहे हैं. अब देखिएगा, हाउ मच डज द वर्क कॉस्ट मिस्टर ओट्स, मिस्टर ओट्स काम की कीमत क्या है, अब सारे काम की क्या कीमत हो गई है. ओ इट्स कॉस्ट अ लॉट, अब देखो ये मिस्टर ओट बता रहे हैं इसकी तो बहुत पैसे हो गए होंगे ना. एंड आई डो नॉट हैव द मनी टू पे ऑल दिस पीपल, इन सब लोगों के लिए अदा करने के लिए, पैसे देने के लिए मेरे पास तो धन तो है ही नहीं, मेरे पास कोई धन नहीं है. आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई विल हैव टू सेल माई बिलव्ड हॉर्स हेनरी, मुझे अपने बहुत प्यारे हेनरी को बेचना पड़ेगा, जो एक घोड़ा है इसको बेचना पड़ेगा, तभी तो मैं इनको पे कर पाऊँगा. अब देखिएगा ये स्टेटमेंट ये लड़का बोलता है, ओ नो दैट इज़ टेरिबल, ये तो बहुत बुरी बात है. पुअर हेनरी, बेचारा हेनरी, अब मतलब वो अपने मालिक के पास नहीं रहेगा, इसके बारे में वो थोड़ा सा दुख जाहिर करता है. डो नॉट वरी मिस्टर ओट्स, मिस्टर ओट्स चिंता मत करो, वी विल हेल्प यू रेज मनी टू पे द वर्कर्स, हम आपकी सहायता करेंगे, हम पैसा इकट्ठा करेंगे और क्या करने के लिए, आपका जो वर्कर ने काम किया उसकी अदायगी करने के लिए. द चिल्ड्रन डिसाइडेड टू टेक पार्ट इन द माई टीवी कॉन्टेस्ट एंड दे वन द फर्स्ट प्राइज,
अब देखो ये स्टेटमेंट बोली गई है कि यहाँ पर सिर्फ स्टेटमेंट बताई गई है कि बच्चों ने डिसाइड किया था कि वो माई टीवी शो कॉन्टेस्ट में पार्ट लेंगे और उन्होंने फर्स्ट प्राइज़ जीता है विदाउट प्राइज़ मनी। अब प्राइज़ का जो जीता हुआ पैसा था तो उन्होंने द चिल्ड्रन पेड ऑल द वर्कर्स, उनसे उन्होंने सभी वर्कर्स को पैसे दे दिए, ये धन दे दिया। देखो जो उन्होंने काम किया था उसके बदले में जो पैसा इन्होंने जीता था वो इन्होंने वर्कर्स को दे दिया। देयर बिलव्ड हेनरी वॉज सेव्ड, और मिस्टर ओट्स का जो प्यारा हेनरी था वो बच गया। अवर हेनरी कैन नाउ स्टे एट द पियर ट्री फार्म, हमारा हेनरी अब जो है पियर ट्री फार्म में अभी सुरक्षित रह सकता है। ठीक है, अब इस पिक्चर में देखिएगा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, तुमने एक महान कार्य किया है। लेट्स मी ट्रीट यू टू अ यमी पियर पडिंग टुमारो, तो मुझे आइए मुझे कल आने वाले कल में तुम्हें एक पियर पडिंग, पडिंग का मतलब होता है कोई भी मीठा पकवान बनाना या फिर कुछ भी जो डिलीशियस डिश उससे बनाना पियर से, वो मैं आपके लिए तैयार करता हूँ कल के लिए, कल तुम इनवाइट हो इसके लिए। श्योर, क्यों नहीं मिस्टर ओट्स, मिस्टर ओट्स थैंक यू एंड गुड बाय, फिर वो उसको धन्यवाद करते हुए और अलविदा कह जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा मिस्टर ओट्स बड़े खुश होते हैं, उन्होंने देखा कि उनका जो फार्म है वो बच्चों ने बड़े अच्छे से तैयार करवाया है, उसकी हेल्प की है, उसकी ऐसे समय में हेल्प की जब वो बिल्कुल हेल्पलेस था, तो वो बच्चों को बड़ा शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं गुड बाय चिल्ड्रन, और ये बच्चों को मतलब अलविदा कहते हैं ये पिक्चर। तो ये पिक्चर, ये स्टोरी बहुत ही अच्छी है और इससे हमें ये मैसेज मिलता है कि हमें उन लोगों की सहायता करनी चाहिए जो मुसीबत में है, हेल्प दोज पीपल हु आर इन ट्रबल, मुसीबत में है या किसी भी ऐसी सिचुएशन में है जो वो अपनी हेल्प नहीं कर सकते हैं, ऐसी सिचुएशन में हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए अगर हम कर सकते हैं तो। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड दिस एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टोरी एंड अंडरस्टैंड अ न्यू मैसेज फ्रॉम द स्टोरी। क्लियर।